नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग कैप्सूल्स के इस नए वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं, DI 365 जो हमारी सीरीज चल रही है डेटा इंटरप्रिटेशन कोर्स के लिए, तो उसी के अंतर्गत आता हुआ ये हमारा DI नंबर 6, जो कि RRB PO 2019 मेंस के एग्ज़ाम में आया था। एग्जैक्ट डेटा सेम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, मगर हाँ यही थीम थी। और डेटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, मगर हाँ आपको कोशिश की है कि जो एग्ज़ाम बेस सेम टू सेम क्वेश्चन था, लगभग वैसा मेमोरी बेस मैंने लाने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने खुद ने अटैम्प्ट किया था तो मैं अच्छे से याद कर सकता हूँ कि क्या क्या आया था। तो शुरू करते हैं हम लोग। जो हमारा DI नंबर 6 है हमारी DI 365 सीरीज़ का, ये केसलेट DI है, तो इसको शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तुम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्शन पढ़ेंगे। तो डायरेक्शन पढ़ते हैं, अ ट्रेन इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम स्टेशन ए टू डी। ठीक है, एक ट्रेन है जो ए से डी स्टेशन पर जा रही है। एट स्टेशन ए, 80 पैसेंजर्स बोर्ड इन द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल 7:9। ठीक है, एट स्टेशन बी सम पैसेंजर्स बोर्ड द ट्रेन। अब देखिए, यहाँ पे मेरा दिमाग क्या ख़राब होने लग जाता है एग्ज़ाम में थोड़ा सा। मैं देखता हूँ यार, पूरा पूरा इसको पढ़ूँ, फिर वापस से बनाऊँगा, फिर पढ़ूँगा, तो लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। तो मैं सोच लेता हूँ, थोड़ी सी थीम समझ में आ जाती है ना, कि अच्छा ए टू डी है, फिर कुछ बी पे हुआ है, फिर कुछ देखो मेरे को ऊपर ऊपर से स्टेशन सी पे हुआ है। तो मैं काम कर लेता हूँ, हमेशा मेरे आता है कि भाई बीच में क्वेश्चन की थीम समझ के मैं उसको ड्रॉ करना शुरू कर देता हूँ, ताकि ऐसा नहीं हो पूरा पूरा बनाओ। तो एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर ड्रॉ करना शुरू करते हैं। देखिए, ये मैं लिख लेता हूँ, ये मान लीजिए ये स्टेशन मेरा है ए। ठीक है, ये स्टेशन मान लेता हूँ मैं डी, बीच में कहीं इसको मान लेता हूँ स्टेशन बी, ये स्टेशन मान लेता हूँ मैं स्टेशन सी। अब मैं आराम से ड्रॉ करता रहूँगा जो भी सीन होगा। ठीक है जी, देखिए अभी क्या बोलता है, 80 पैसेंजर्स बोर्ड इन द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल 7:9। देखिए, मेल टू फीमेल, मेल को मैं हमेशा बनाता हूँ प्लस से, आपको पता है पहले वाले डी अगर आपने देखे हैं, और क्रॉस से बनाता हूँ फीमेल को। ये है मेरा मेल, एक बार और लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए, ये है फीमेल। ठीक है, अब ये बोलता है मेल टू फीमेल का जो रेशियो है वो है 7:9, और लोग कितने टोटल 80, तो 7:9 मतलब मेल कितना हो जाएगा, 7/16 × 80 हो जाएगा भाई, 7/7 + 9 बेसिक्स है, 7/16 × 80 हो जाएगा मेरा मेल। तो मेल कितना हो जाएगा, 35 मेल, 35 मेल्स ने एंट्री लिए ट्रेन में ए पे, और इसी तरह से फीमेल निकालोगे तो आप हो जाएगा 45 हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 9/16 × 80, दैट इज 9 × 5, दैट इज 45। तो ये मेरे पास आ गए मेल और फीमेल के नंबर। ठीक है, मेल फीमेल का नंबर आ गया मेरे पास कि भाई इतने इतने लोग मेरे पास चढ़े थे ये स्टेशन ए पे। तो मैं यहाँ इसको लिख लेता हूँ प्लस का सिंबल बना के, कि भाई टोटल तो 80 लोग चढ़े हैं। ठीक है, टोटल आपके कितने लोग चढ़े हैं, 80 लोग चढ़े हैं। ये देखिए, 80 का मैंने यहाँ चढ़ने का बता दिया। ठीक है, उतरने का मैं कुछ इस तरह से लिख दूंगा। ठीक, तो 80 लोग आपके यहाँ चढ़े, जिनमें से 35 क्या थे, मेल थे, और 45 क्या थी आपकी, फीमेल थी। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है, ओके जी। एट स्टेशन बी, अब क्या बोलता है ये, सम पैसेंजर्स बोर्ड द ट्रेन एंड सम पैसेंजर्स बोर्ड द ट्रेन, इसको नहीं पता कितने, इसने नहीं बताया हमारे को। एंड नंबर ऑफ पैसेंजर्स डी बोर्डिंग, डी बोर्डिंग मतलब उतरना, बोर्डिंग मतलब चढ़ना, डी बोर्डिंग एट बी आर डबल द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग एट बी। तो सम पैसेंजर्स बोर्ड द ट्रेन में मान लेता हूँ बोर्ड ट्रेन किया तो एक्स ने किया मान लेता हूँ, तो एक्स चढ़े हैं। ठीक है, ये मतलब एक्स चढ़े हैं, ठीक है, टोटल एक्स लोग चढ़े। ठीक है जी, और साथ ही साथ एंड नंबर ऑफ पैसेंजर्स डी बोर्डिंग एट बी, जो डी बोर्ड हुए मतलब उतरे हैं, वो डबल द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग एट बी। तो बोर्डिंग अगर एक्स ने की है तो मान लेता हूँ 2x क्या होंगे, उतरे गए होंगे। ठीक है, 2x उतर गए हैं। ठीक है जी, मतलब 2x हो गए माइनस इसमें से ट्रेन में से, और एक्स हो गए प्लस। ठीक है, एट स्टेशन बी। ठीक है, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल रिमेन्स 4:5 इन बोथ बोर्डिंग एंड डी बोर्डिंग एट स्टेशन बी। ये बोल रहा है कि देखिए, ध्यान से समझिए इस लाइन को, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल रिमेंस 4:5 इन बोथ बोर्डिंग एंड डी बोर्डिंग एट स्टेशन बी। मतलब ये बोल रहा है, जब बोर्ड हुए तब भी ये 4:5 के रेशियो में हुआ मेल फीमेल, जब डी बोर्डिंग हुई तब भी 4:5 के रेशियो हुआ। आगे देख लेंगे जो भी बात है, अभी ये लिख के रख लेते हैं, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे यहाँ पे, आगे देखते हैं। एट स्टेशन सी, 10 पैसेंजर्स बोर्ड द ट्रेन, 10 पैसेंजर आए, मतलब मैं लिख देता हूँ बोर्ड द ट्रेन, तो मतलब +10 हो गया होगा, ट्रेन में घुस गए 10 लोग। एंड 40 पैसेंजर्स डी बोर्ड द ट्रेन, तो 40 उतर गए, मतलब -40 हो जाएगा ट्रेन में से। ठीक है जी, ऑल्सो देयर वर 32 पैसेंजर्स इन द ट्रेन वेन इट रीच टू स्टेशन बी, स्टेशन डी सॉरी। तो डी पे जब ये पहुंची तो यहाँ पे कितने पैसेंजर्स थे, 32। ये बोल रहा है यहाँ पे 32 थी, यहाँ तो चढ़ाई उतराई हुई नहीं है क्योंकि ये फाइनल स्टेशन है भाई, फाइनल स्टेशन में कोई ट्रेन में थोड़ी चढ़ेगा। फाइनल स्टेशन में ट्रेन आ गई, वहाँ पे 32 लोग थे उसके अंदर, इसने बता दिया। अब वो उतरे नहीं उतरे उनकी मर्जी, अब 2 घंटे बैठे रहे, ट्रेन की साफ सफाई चल रही थी, हमको नहीं मतलब है। ठीक है, डी तक का हमको ये पूरी रिपोर्ट इसने बता दी, ये हमारा पैसेज है, पैसेज में इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तो अब हम देखना पैसेज को कर देंगे बंद, क्योंकि हमारे पास सारा डेटा हमने नोट कर लिया, हमको बार बार पैसेज को खंगालने की जरूरत नहीं है। अब अपना जो डायग्राम बना हुआ, डायग्राम को समझ में आ गया, प्लस माइनस हमने लिख लिया, कौन बोर्ड हो रहा है, कौन डी बोर्ड हो रहा है, कौन चढ़ा है, कौन नहीं चढ़ा है, तो ये हमने कर लिया है। ठीक है जी, चलिए आगे इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं, क्या बोलता है ये देखिए।
क्वेश्चन पे आते हैं सीधा सीधा, ठीक है ना। क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मेनी पैसेंजर्स ट्रेवल्ड इन ट्रेन इन टोटल। देखिए ये क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पैसेंजर्स ट्रेवल्ड इन ट्रेन, मतलब ये नहीं बोल रहा कितने बोर्ड हुए कितने डी बोर्ड हुए, ये बोल रहा इस ट्रेन में कितने लोगों ने यात्रा की। तो भाई जो जो चढ़ा होगा उसने यात्रा कर ली। तो देखिए यहाँ पर कितने ए पे कितने लोग चढ़े, 80, 80 के 80 ने यात्रा की है। जी हाँ ए पे 80 लोग चढ़े, 80 के 80 ने यात्रा की है। तो ये मैंने लिख दिया ए पे 80 लोग चढ़े जिन्होंने यात्रा की है, ठीक है। प्लस अब बी पे देखिए, बी पे कितने लोग चढ़े, एक्स चढ़े, उतरे कितने, 2x, 2x उतर गए, एक्स चढ़े। तो अब देखिए मेरे पास एक्स फंस जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक्स नहीं पता। तो एक काम करते हैं, पहले अपन एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक्स निकाल लेते हैं, उसके बाद ही कैलकुलेशन हो पाएगी, क्योंकि यहाँ भी देखिए 10 और 40 का डेटा है, यहाँ भी 32 मुझे दिया हुआ, मगर एक्स के बारे में मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं एक्स निकालने के लिए क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर आप जानते हैं 32 लोग बचे हैं, ठीक है। यहाँ पर 80 लोग चढ़े, तो ए पे चढ़े कितने लोग, 80 लोग। बी पे देखिए एक्स चढ़े, 2x उतर गए, तो बी पे नेट कितने गए, बी पे गए माइनस एक्स हो गया, क्योंकि एक्स चढ़े और 2x उतर गए, तो नेट कितना रहेगा भाई, नेट तो माइनस एक्स का ही हुआ, लॉस लॉस ही हुआ एक्स लोगों का। भाई मान ली 5 लोग चढ़े, 10 लोग उतरे, तो 5 का लॉस ही है ना ट्रेन को। तो इसलिए नेट बी पे कितना आया, एक्स चढ़े 2x उतर गए, मतलब माइनस एक्स का लॉस, एक्स माइनस 2x दैट इज माइनस एक्स आ गया। अब सी पे देख लीजिए, 10 चढ़े 40 उतर गए, तो सी पे भी 30 का लॉस हो गया ट्रेन पैसेंजर्स का। भाई ट्रेन में तो 30 ही लोग बचेंगे ना, यहाँ यहाँ पे 30 लोग ही तो नेट उतर गए ना आपके, 10 चढ़े 40 उतर गए, 30 बच, मतलब 30, तो 30 उतरा नेट आ गया, 10 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 30। चाहे तो एलजेब्रिकली देख लीजिए, चाहे आप मैनुअली समझ लीजिए। तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 32 तो हो जाएगा मेरे भाई और बहनों, क्योंकि 80 अगर चढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक्स नेट उतर गए, यहाँ पे नेट 30 उतर गए, तो बचेंगे कितने, 32। क्वेश्चन बोला है इसको सॉल्व कर लो, 80 माइनस 30 जगह 50 माइनस 32 इज इक्वल टू एक्स, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 18 मेरा सॉल्व करने पे आ गया। एक्स अगर 18 आ गया, तो अब मैं सबको मिटा के यहाँ पर एक्स की वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 18। तो 18 लोग तो चढ़े हैं बी पे, ठीक है, और 36 लोग उतर गए उसके डबल, ठीक है। अब मैं बाकी कैलकुलेशन मिटा देता हूँ, कि मेरे को अब एक्स की जरूरत नहीं है, अब एक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। 18 और 36 आ गए, एक्स हो गई हमारी गायब, ठीक है, एक्स हो गया हमारा गायब, ठीक है। तो हाउ मेनी पैसेंजर्स ट्रेवल्ड इन ट्रेन इन टोटल। अब देखिए हाउ मेनी पैसेंजर्स ट्रेवल्ड इन ट्रेन, देखिए ए पे कितने लोग चढ़े, ए पे 80 लोग चढ़े, 80 लोगों ने ट्रेवल किया, जी हाँ 80 लोगों ने ट्रेवल किया। प्लस अब देखिए यहाँ पर नेट करने की जरूरत नहीं है कि कितने लोग चढ़े कितने लोग उतरे, ट्रैवल कितने ने किया, मतलब जितने लोग चढ़े उतरे वो तो भाई वो वाले थे ना 80 वाले, तो ट्रैवल कितने लोगों ने किया, 18 लोगों ने किया, 18 लोगों ने मैं बी पे ट्रैवल किया। सी पे कितने लोगों ने ट्रैवल किया, 10 लोगों ने किया, 10 लोगों ने ट्रैवल किया। भाई 40 उतरे मुझे उससे क्या मतलब, उतरे कितने चढ़े कितने वो सबने ट्रैवल किया है, तो चढ़े चढ़े कैलकुलेट कर लो आप। चाहे तो ये अगर ये क्वेश्चन होता हाउ मेनी पैसेंजर्स बोर्डेड द ट्रेन, तब भी यही आंसर होता, हाउ मेनी पैसेंजर्स ट्रैवल्ड इन द ट्रेन, तब भी आंसर होता, ठीक है। तो 80 यहाँ पे, 18 चढ़े यहाँ पे, 10 चढ़े, ये 32 तो चढ़े नहीं ना, 32 तो रिमेनिंग है, इन्हीं में से कुछ डेटा आ रहे हैं यहाँ से जो बचे हुए आ रहे होंगे, तो इसको हम छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 80 प्लस 18 हो गया 98, प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 108, ए हमारा आंसर हो गया, 108 आंसर है सिंपली। मतलब हमको अगर ट्रैवलिंग करने पूछा तो उतरने वाले से चढ़ने वाले से हमको क्या मतलब, जितने लोग घुसते गए उतने लोग ट्रैवल करते गए, हमने निकाल लिया कितने लोगों की एंट्री हुई है ट्रेन में, ठीक है। तो वो मैंने निकाल लिया है, ठीक है जी। थोड़ा सा हम कचरा साफ कर देते हैं जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि बाद में फिर यही कचरा दिक्कत दे देता है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं 2 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हमको क्या बोलता है। डायग्राम हमारे पास हमारा बना हुआ है, डायग्राम हमारा, ये डायग्राम हमारे को काम आने वाला है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, हाउ मेनी फीमेल पैसेंजर्स आर ट्रेवलिंग फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन सी। बी से सी में कितनी फीमेल ट्रैवल कर रही थी, तो उसके लिए हमारे को थोड़ा सा वो जो रेशियो दिया ना उस पर काम करना पड़ेगा, बी से सी के बीच की फीमेल निकालनी है। तो वापस लौटते हैं इस डायग्राम पे। देखिए अगर इस एक्सटेंसिव पिक्चर थोड़ी सी मैं यहाँ बनाऊँ इसके बीच की, ये ए से बी की पिक्चर बना रहा हूँ, ये ए था, ये हमारा क्या था, बी था। देखिए ए और बी के बीच में ये ए है, ये बी, ठीक है। अब देखिए ए पे मेरे पास मेल, देखिए मेल में प्लस से दिखाता हूँ, आपको पता है मेल प्लस होता है मेरा मेल, और ये क्रॉस होती है मेरी फीमेल, आपको बताया हुआ मैंने, तो ये मेल ये फीमेल हो गया, ठीक है। अब आप देखिए मेल कितने थे यहाँ पे ए पे, 35 मेल थे। फीमेल को चलिए ब्लैक से दिखाता हूँ, वो कन्फ्यूजन ना हो, फीमेल को ब्लैक से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, 45। अब देखिए इसने बोला यहाँ पे मेरे को 18 चढ़े 36 उतरे, मगर रेशियो दोनों में ही मेल फीमेल का सेम था, ये मेल इज टू फीमेल का रेशियो ना, अपन कन्फर्म कर लेते, फीमेल मेल का हुआ तो गलत हो जाएगा, ये रेशियो मेल टू फीमेल है, रिमेंस 4:5। तो देखिए मेल का भी 4:5 है, मतलब चढ़ने का भी 4:5 है, उतरने का भी 4:5 है, इसका मतलब नेट का भी 4:5 ही तो रहेगा। भाई 4:5 की दो क्वांटिटी है, तो उनमें से सबट्रैक्ट करो, एडिशन करो, रहेगा तो 4:5 ही ना, तो इसका मतलब नेट कितना लॉस हुआ था,
नेट 18 का लॉस हुआ ना, 18 चढ़े 36 उतरे, तो नेट लॉस रहेगा -18, ठीक है। तो 4:5 रहेगा इसका भी रेशियो, मेल और फीमेल का रेशियो, क्योंकि चढ़ने का भी सेम है, जो प्लस था उसका भी सेम है, जो माइनस हुआ उसका भी सेम है, तो नेट भी सेम रहेगा 4:5। तो अब आप देख लीजिए 18 का, अगर आप 4/5 का 4 वाला पोर्शन निकालेंगे, 4/9 दैट इज़ कितना हो जाएगा 8, और 18 का 5/9 वाला पोर्शन निकालेंगे कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो 10 और 8 आ गए, मेल कितने हो जाएंगे 8, फीमेल कितनी हो जाएंगी 10, मेल इस टू फीमेल का रेशियो है। तो देखिए यहाँ पर 8 लोग कम हो जाएंगे मेल में से अगर 8 कम हो जाएंगे तो कितना बच जाएगा, मेल 27 मेल बचेंगे बी पे। और इसी तरह से अगर ये, अब ये बी का नेट बता रहा हूँ, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर 45 में से भी 10 लोग जाएंगे, अगर माइनस होकर 35 बच जाएगी फीमेल, तो इसका मतलब आप देखिए कि बी से सी की तरफ यात्रा करने के लिए आपके पास फीमेल कितनी आ गई, 35 आ गई, 35 फीमेल आ गई। ऑप्शन देख लेते हैं क्या हमारा आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो बी से सी के बीच में यात्रा करेंगी 35 महिलाएं, ठीक है, 35 फीमेल पैसेंजर्स आपको ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से आने पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 की कंक्लूजन हल्की से हटा देता हूँ ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। चलिए जी हटा देते हैं। हाँ बस ये ध्यान रखिएगा, बी से सी का हमारा डेटा आ गया है 37, ये 27 ये और 35 ये, ठीक है जी। तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या पता अगले क्वेश्चन में काम आ जाए, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये बी से सी के बीच में आपकी ये 27 तो मेल जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक के बीच में, और 35 क्या जा रही है, फीमेल, भाई इस क्वेश्चन में निकाला है तो हम लिख के देख रख लेते हैं इसको, ठीक है जी। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन बताते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा वो ये बोलता है एट स्टेशन सी, अब स्टेशन सी की कुछ कहानी कह रहा है, देखते हैं क्या बोलता है। एट स्टेशन सी इफ पैसेंजर्स बोर्ड द ट्रेन इन रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इक्वल टू 3:2, मेल प्लस से फीमेल क्रॉस से रेशियो इज इक्वल टू 3:2 है, हमको बता दिया है, ये है बोर्डिंग का, ठीक है। बोर्ड होते हैं इससे किस स्टेशन पे, एट सी, ठीक है। एंड देर आर 24 फीमेल पैसेंजर्स इन ट्रेन एट स्टेशन डी, डी पे टोटल 32 लोग थे, याद रखिएगा फिगर, मैं वापस दिखा दूंगा अभी। उसमें से आपको 24 तो थे फीमेल और बचे हुए कितने 8 हो जाएंगे, कितने मेल, डी की बात कर रहा हूँ, डी पे 32 रिमेनिंग थे ना। देन फाइंड रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल डी बोर्डिंग द ट्रेन एट स्टेशन सी, सी पे डी बोर्डिंग के हमको रेशियो बताने हैं, डी बोर्डिंग सी का रेशियो हमको बताना है, किसका, फीमेल और मेल का बताना है, फीमेल पहले क्रॉस और मेल, इसका रेशियो मुझे ज्ञात करना है, बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम की तरफ हमको जाना पड़ेगा जो हमने बनाया है। देखिए आप अगर देखें यहाँ पे जो बी से सी था, सी तक की कहानी क्लियर थी, सी पे कौन कौन आया है वहाँ से, ठीक है, उसके बाद सी पे कुछ घटना घटी है, उसको देखेंगे क्या है घटना ये। तो देखिए सी स्टेशन की अगर बात करूँ मैं, ठीक है, सी स्टेशन पे कितने लोग आए शुरू में, सी जैसे ट्रेन सी पे आई होगी तो उस समय उसमें 27 मेल ट्रेवल कर रहे थे और 35 फीमेल उसमें ट्रेवल कर रही थी, मगर अब देखिए उसमें चढ़े कितने लोग, 10 लोग चढ़े इन टोटल, ठीक है, 10 लोग चढ़े। अब 10 में से बोर्डिंग का मुझे रेशियो दिया हुआ था, बोर्डिंग का रेशियो मेरे को दिया हुआ, देखिए बोर्ड एट सी का रेशियो है 3:2 किसका, मेल और फीमेल का, मतलब मेल 3 पोर्शन, 10 का 3 पोर्शन कितना हो जाएगा 6, ठीक है, और फीमेल कितना हो जाएगा 4, 6:4 हो जाएगा 3:2। तो ये मेल है, ये फीमेल है, ये चढ़े हैं, मतलब 6 तो मेल बढ़ जाएंगे, 4 फीमेल बढ़ जाएंगी, तो आप 6 तो मेल बढ़ा दीजिए, ठीक है, 6 मेल बढ़ा दूंगा, किसमें 27 आए थे, 6 मेल बढ़ाए 33 मेल हो गए बोर्डिंग के बाद, ये बोर्डिंग के बाद है, ठीक है, बोर्डिंग के बाद है ये, और कितना बढ़ाने थे मेरे, 4 फीमेल बढ़ानी थी, मैंने 39 फीमेल कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो 6 मेल बढ़ गए 3:2 के हिसाब से, 3:2 का रेशियो दिया हुआ था ना आपको ये यहाँ पे उस क्वेश्चन में दिया था ना, थर्ड क्वेश्चन में आपको ये थर्ड क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे 3:2 में मेल फीमेल चढ़े थे, तो 6 मैंने मेल बढ़ा दिए, 4 मैंने फीमेल बढ़ा दी, कहाँ पे, जो जो सी पे डेटा आ रहा था हमारे पास कि भाई सी पे इतने लोग आए, 27 मेल आए हैं, 35 फीमेल आई है हमारी, तो 27 में मैंने 6 जोड़ दिया था और फीमेल में मैंने 4 जोड़ दिया था 3:2 के अकॉर्डिंग, तो 27 6 33 आ गया, 35 39 आ गया। अब डी बोर्डिंग कितनी हुई ये मुझे निकालनी, मुझे नहीं पता, मगर इसने बोला कि जो डी है भैया, डी पे ये इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसने बोला डी जो है आपका, डी पे इसने बोल दिया कि भाई 24 महिलाएं बची हुई हैं क्वेश्चन में दे दिया, और 8 मेल बचे हुए हैं ये भी हमको क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को, हाँ तो देखिए इसने बोला 24 महिलाएं हैं डी डी पे, तो 8 मेल हो जाएंगे डी पे, ठीक है, ये 24 और 8 मेरा क्लियर हो गया। अब इसने बोला फाइंड रेशियो फीमेल टू मेल डी बोर्डिंग स्टेशन सी, वो देख लेते हैं क्या डी बोर्डिंग रही होगी। तो अब आप यहाँ पे इस केस में देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि ये 33 और 39 हो चुका है, ठीक है, ये डी बोर्डिंग
अभी डीबोर्डिंग का देखना है हमको रेशियो, मगर फाइनली मुझे पता लग गया कि ये फाइनली कितना बन जा रहा है, ये बन जा रहा है ऊपर मेल है तो 8 मेल और 24 फीमेल फाइनली है मेरे पास। तो बताइए बीच में कितना कितना क्या क्या गायब हुआ है। तो देखिए ये 33 में से बच गया 8, तो मेल कितने गए, 25 मेल गायब हो गए क्या, मेल 25 गायब हो गए ना, 33 में से 8 बचे मतलब 25 मेल गायब हो गए, माइनस हो गए, ठीक है डीबोर्डिंग हुई है। 39 में से बचा 24, मतलब कितनी फीमेल गायब हो गई, 15 फीमेल गायब हो गई, 15 फीमेल गायब हो गई, 25 मेल गायब हो गए बीच में डीबोर्डिंग पे। डीबोर्डिंग में टोटल कितने लोगों की डीबोर्डिंग हुई है स्टेशन सी पे, 40 लोगों की हुई है, 40 में से फीमेल कितने गई 25, 40 में से मेल कितने गए 15, तो 25/15 हो गया किसका रेशियो, ये मेल इज टू फीमेल का है। हमको किसका पूछा देख लेते हैं, हमको पूछा गया है रेशियो फीमेल इज टू मेल का, तो फीमेल कितनी गायब हुई है डीबोर्डिंग, मतलब डीबोर्डिंग कितने लोगों की हुई है, फीमेल हुई है डीबोर्डिंग 15, 15 इज टू ये मेल कितना है 25, 25 दैट इज 15:25, मतलब 3:5, 3:5 मेरा आंसर हो गया और मेरा क्वेश्चन इस तरह से हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो कुल मिला के मैंने देखा कि बस खाली ट्रेन में नंबर डालते गए, बोर्डिंग डीबोर्डिंग मतलब रेशियोज का काइंड ऑफ समझ लीजिए, रेशियोज और प्रपोर्शन का ये आप मान सकते हैं, और साथ में साथ ट्रेन की थीम दे दी, बच्चा शुरू में अगर खाली ट्रेन देख के डर जाए कि मुझे स्पीड टाइम डिस्टेंस नहीं आता, उसका खाली क्वेश्चन छूट जाएगा, सिर्फ रेशियो प्रपोर्शन पे ये पूरा केस लेट डी आई था, और इस तरह से हमने इसके तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और ये हमारा DI नंबर 6 था, अगले DI के साथ मिलेंगे हम कल, टिल देन थैंक यू सो मच, शुक्रिया।